बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दिव्य मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके सिर के दर्द को चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता है। इसकी कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस है, वो सब बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि ये मंत्र प्राप्त कहाँ से हुआ। देवी और सज्जनों, एक महिला थी जो मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई थी नहीं है ही, और उसकी उम्र लगभग 50 साल की होगी, और ज्योतिष से संबंधित मेरा उनसे कनेक्शन लंबे समय से है, 10 वर्ष से लगभग है जो वो चलता आ रहा है। मैं उनके यहाँ जाता आता रहता था। उनके सर में दर्द हुआ करता था, जो दर्द महीने दो महीने पर में एक बार आता था और वो 3-4 दिन के लिए लगातार रहता था। सर में बहुत दर्द होता था, वो ठीक नहीं हो पाता था। उस बीच में कितने डॉक्टर वैद्य झाड़ फूँक इधर उधर बहुत सारे लोगों से किया जाता था, बहुत सारे लोगों के पास वो जाती थी, बहुत सारे मेरे पास भी आई ज्योतिष के रूप से भी देखने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हो पाया। कई सारे डॉक्टर बदले गए इस 50 वर्ष में, लेकिन वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। फिर 3-4 दिन के बाद अपने आप वो पुनः ठीक हो जाता था। ऐसा लंबा समय बीता गया। एक दिन मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था और वो दर्द से बहुत परेशान थी। वो उसी वक्त एक साधु भिक्षा मांगने के लिए उनके दरवाजे पर आए। सुबह सुबह का समय था, उन्होंने भिक्षा दिया और उनसे कहा कि बाबा देखिए, मेरे सर में ऐसा दर्द है कि मैं पिछले 30-40 साल से बचपन से ही परेशान हूँ और ये आज तक कभी ठीक नहीं हो पाया। हर महीने 3-4 दिन के लिए मुझे आता है ये, हर महीना 2 महीना 3 महीना पर मैं बड़ा परेशान कर देता है। कितने सारे डॉक्टरों से दिखा लिया लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। बाबा ने कहा ठीक है बैठो, उनको बैठा दिया बाबा ने, और 21 बार ये जो सामने मंत्र लिखा हुआ है इसको सिद्ध करना पड़ता है, 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके उन्होंने उसके मस्तक पर फूंक मारी और उसी वक्त उसका सर दर्द ठीक हो गया। और लगभग 4-5 साल हो गया मुझे लगता है, और आज तक फिर दोबारा उन्हें सिर का दर्द नहीं हुआ। देवी और सज्जनों, हमने उस बाबा को बुलाया अपने गांव में, शिव मंदिर पर मैं रुकने की जगह दी, वो रुके। उसी बीच उन्होंने मुझे एक ये मंत्र और भी कुछ बहुत सारे मंत्र बताए जिससे वो निस्वार्थ लोगों की सेवा किया करते थे। उसमें से एक मंत्र मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं जिसका नाम है सिर दर्द निवारक मंत्र है ये, जिससे कि आपके सिर में कितना भी पुराना से पुराना दर्द क्यों ना हो, आपके सिर दर्द को ये नाश कर देगा। इस मंत्र को मैं बताता हूं, लेकिन इसकी सिद्धि की प्रक्रिया ये है कि इसको सिर्फ दिवाली के अवसर पर में ही सिद्ध किया जा सकता है। दिवाली जिस रात्रि में होती है, अब तो आने ही वाली है खैर महीना दो महीना में, तो दिवाली के रात्रि में आपको स्नान ध्यान करके शुद्ध आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और 2100 बार इस मंत्र का अर्थात 21 माला आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। जाप करने के बाद जो है सो मंत्र जाप जब हो जाएगा उसके बाद प्रभु को जल अर्पण करके और फिर उठ जाना है। उसके बाद जब भी किसी के सर में दर्द होगा आप 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके उसके ऊपर फूंक मार देंगे, उस व्यक्ति का सिर दर्द समाप्त हो जाएगा उसी वक्त उसी क्षण, और लोग आपको चमत्कारिक मानने लगेंगे। तो आइए इस मंत्र को मैं आपको बताता हूं कि क्या है। आपके लिए मैंने बोर्ड पर मैं इसे लिख दिया है ताकि आप इसे सही तरीके से देख करके और खुद लिख सको ताकि आपके प्रयोग में आ सके। मंत्र है नी सुनी ही रोई बद कर मेघ गरजहि नीसु, नी सुनी ही रोई बद कर मेघ गरजहि नीसु, आ ना दीपक हल उधर फुफनी बेरी, ना दीपक हल उधर फुफनी बेरी फूनी डमरू नौ, बजय नी सुनहि कलह निन पुटू कांच भई। यही मंत्र है, ये साबर मंत्र है, ये लोकल भाषा का मंत्र है ये। नी सुनी ही रोई बद कर मेघ गरजहि नीसु, आ ना दीपक हलुधर फूफी फूफू निबेरी फूनी डमरू न, बजई नी सुनहि कलह निन पुटू कांच भई। इस मंत्र को ध्यान से चाहे तो आप अपने कॉपी पर में लिख ले, दिवाली जब आए तो इसको 2100 बार जाप करके उस रात्रि में स्नान करके शुद्धि कर ले, उसके बाद ये मंत्र आपका हो जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति के सर में दर्द होगा ये मंत्र पढ़ करके फूंक मार देंगे वो व्यक्ति,
ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा उसे सिर दर्द कभी नहीं होगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।